गहलोत के रिश्तेदारों पर भजनलाल की टेढ़ी नजर। भूमि आवंटन मामले में नप सकते हैं गहलोत के सगे संबंधी। नियमों की अनदेखी कर जमीन देने का आरोप। बेशकीमती जमीन पर अब चलेगा सरकार का हंटर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राजस्थान में जब से सीएम भजनलाल शर्मा की सरकार बनी है, तभी से पूर्व सीएम अशोक गहलोत की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ पेपर लीक मामले को लेकर लगातार राजस्थान बीजेपी कह रही है कि गहलोत साहब और गोविंद सिंह डोटासरा जल्द ही जेल की हवा खाने वाले हैं, और इसी बीच गहलोत और डोटासरा टेंशन में भी दिखाई दे रहे थे कि कहीं मतदान से ठीक पहले वो जेल ना चले जाए। तो अब वही गहलोत के जो सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, उनको भी जेल जाने का खतरा सता रहा है। जी हाँ, भजनलाल ने जहां पूर्व सीएम को जेल भेजने की जिद पकड़ ली है, तो वही अब गहलोत के रिश्तेदारों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है। दरअसल आरोप है कि गहलोत के रिश्तेदार को 15 करोड़ की जमीन 3.67 करोड़ रुपए में दे दी गई। इस मामले को लेकर एक्शन की तैयारी है। खबर ये भी है कि रिश्तेदारों को कौड़ियों के दाम पर नीलाम की गई बीज कीमती जमीन के आवंटन मामले में अब भजनलाल शर्मा बड़े एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसे लेकर सीएम कार्यालय के आदेश पर जोधपुर विकास प्राधिकरण से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है, जिसमें सभी फैक्ट हो। जोधपुर विकास प्राधिकरण ने इसे तैयार कर सीएम कार्यालय तक भी पहुंचा दिया है। संभावना है कि लोकसभा चुनाव के बाद इस मामले को लेकर अब सीएम भजनलाल कोई बड़ा एक्शन भी ले सकते हैं, यानी कि लोकसभा चुनाव तक अभी राहत है। सबसे पहले आपको पूरा मामला बता देते हैं। गहलोत के रिश्तेदार को बेशकीमती जमीन आवंटन के मामले में नियमों की अनदेखी की गई है, जबकि नगरीय क्षेत्र की भूमि आवंटन नीति 2015 के तहत किसी संस्था या ट्रस्ट का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उस पर व्यवसायिक गतिविधियां भी संचालित नहीं होनी चाहिए, जबकि इस जमीन पर ट्रस्ट निजी शिक्षण संस्थाएं संचालित करती है जो व्यवसाय या वाणिज्यिक श्रेणी में शामिल होती है। वहीं जीडीए ने भी ट्रस्ट की ओर से मांगे गए स्थान पर ही जमीन आवंटित की गई, जो कि नियमों की अवहेलना है। यानी कि जोधपुर में 10,000 वर्ग मीटर का एकल पट्टा जारी करने के मामले में अब सीएम कार्यालय बड़ा एक्शन ले सकता है। जो बेशकीमती जमीन गहलोत के रिश्तेदार को दी गई थी, और इसी को लेकर सीएम कार्यालय ने जेडीए से पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में जो शामिल अफसर थे उनकी भी लिस्ट मंगाई है। यानी कि रिश्तेदारों के साथ साथ ये अफसर भी नप सकते हैं। इस पूरे मामले को अगर गौर से देखें तो क्या हुआ था विधानसभा चुनावों के दौरान, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। गहलोत सरकार ने विधानसभा चुनाव की संहिता लगने से पहले ही जोधपुर विकास प्राधिकरण ने बेशकीमती जमीन का बिना नीलामी के ही अंगनावा क्षेत्र में 10,000 वर्ग मीटर जमीन राजस्थान एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट को, एक निजी संस्थान है, उसे आवंटित कर दी थी। इसके साथ ही 60 फीट की रोड के निर्माण के साथ ही पानी और बिजली की सुविधा को भी विकसित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि आवंटित भूमि का एकल पट्टा पूर्व सीएम गहलोत के भांजे के दामाद अतुल सांखला के नाम से जारी किया गया है, जो एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के ट्रस्टी भी है। यानी कि रिश्तों का एक जाल बुना गया और सीधा सीधा प्रॉफिट जो है वो पूर्व सीएम गहलोत के रिश्तेदारों को मिला है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये मामला उठाया गया है, और लोकसभा चुनाव के ठीक बाद सरकार कोई बड़ा एक्शन लेगी। अब वो कोई बड़ा एक्शन होगा या नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, ये कहा जा रहा है कि भजनलाल ने जैसे ही सत्ता संभाली है वैसे से ही एक्शन मोड में है। हालांकि अशोक गहलोत भी कहते नजर आ रहे हैं कि वो किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन सच तो ये है कि पेपर लीक मामले को लेकर बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने खूब फायदा उठाया था, और इन दिनों जितनी तेजी से विपक्ष को जेल में ठूसा जा रहा है, लगता है कि जल्दी और भी नेताओं का नंबर भी आ सकता है। आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।